बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल परिवार को लेकर आए दिन खबरें आती ही रहती हैं। चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में आज एक बार फिर बता दें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने वाली हेमा मालिनी को, जो अक्सर ही अपने परिवार वालों के बीच देखा गया है, खास तौर पर अपने पति धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कि अपने पति की तारीफ में उन्होंने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 65 साल पहले धर्मेंद्र, जिन्होंने शादी रचाई थी प्रकाश कौर से, उनके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, 65 साल से भी ज़्यादा समय हो गया धर्मेंद्र की पहली शादी के बारे में सच सामने आया। शोले सोने पे सुहागा, गुलामी, मेरे गांव मेरा देश जैसे फिल्मों में काम कर चुके धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को मीडिया के सामने नहीं लाते। लेकिन सच है कि मीडिया की लाइमलाइट से दूर धर्मेंद्र की पहली पत्नी तब हुई जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से रचाई। उसके बाद वो फ्यू ओकेजन्स में ही सामने आई। बताना चाहेंगे आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में कि प्रकाश कौर अपने दोनों बेटों के साथ रहती हैं, बॉबी और सनी के साथ रहती हैं। जी हाँ, पति के साथ नहीं रहती हैं प्रकाश कौर। सिर्फ 19 साल के थे धर्मेंद्र जब प्रकाश कौर से उन्होंने रचा ली थी शादी। उसके बाद से ये परिवार साथ रहता था। लेकिन धर्मेंद्र ने जब दूसरी शादी की और वो दूर रहने लगे परिवार से, तो फिर धर्मेंद्र लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस में ज्यादा समय गुजारते रहे और आज भी वो वहीं गुजार रहे हैं समय। लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश उर्फ लोनावला स्थित फार्म हाउस में भी कम ही नजर आती हैं। वो ज्यादातर अपने बेटों के साथ रहती हैं, उनके घर पर ही शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।